चंडीगढ़ एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप सफर कर रहे हैं हमारे साथ चंडीगढ़ एक्सप्रेस में पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट। अब ये पूरे हरियाणा में हम घूम रहे हैं, चौधरी देवीलाल जी के गांव चौटाला गांव से शुरुआत की। आपको पता है वो डबवाली इलाका है, सवारियों को उतारते चढ़ाते आपको चंडीगढ़ लेकर पहुंचेंगे। ये चुनाव अहम इसलिए भी और ज्यादा हो जाता है कि 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी का उदय इस तरीके से होता है कि पिछली बार 2014 में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार आ गई, लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी की, और उसका इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि 10 साल की हुडा साहब की सरकार उखड़ गई, और उखड़ ऐसी गई कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भी जगह नहीं मिली, यानी कि INLD के बाद कांग्रेस का नंबर आया। और कांग्रेस को पिछले चुनाव में जो सीटें मिली, अगर आप रणदीप सुरजेवाला को किरण चौधरी को छोड़ दें, तो वो जितनी सीटें आई वो यही वो इलाका है रोहतक झज्जर सोनीपत, यहां से ही 10-12 लोग चुन करके आए, और ये 10-12 के 10-12 कांग्रेस से ज्यादा भूपेंद्र सिंह हुडा के समर्थक थे। इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि पिछले 5 साल या 6 साल में कांग्रेस की जितनी भी बैठकें हुई, कांग्रेस में एक विवाद चलता रहा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के, और ये विवाद पिछले चुनाव में जब टिकट का बंटवारा हो रहा था ये तभी पनप चुका था। कांग्रेस अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने जितनी बैठकें की उसमें हुडा समर्थक MLS कभी नहीं गए। दूसरी तरफ जब हुडा भूपेंद्र सिंह हुडा बैठकें करते रहे उसमें अशोक तंवर और दूसरे लोग नहीं पहुंचे। अब ये गढ़ है, और गढ़ इसलिए कहता हूं कि इस विधानसभा चुनाव में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो गढ़ बच पाता है या नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पिछली बार मोदी वेव के बावजूद दीपेंद्र हुडा रोहतक की सीट बचा ले गए थे, लेकिन इस बार भूपेंद्र सिंह हुडा और दीपेंद्र हुडा दोनों की रोहतक और सोनीपत से हार हो गई। 18 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुडा ने एक बहुत जबरदस्त रैली बुलाई है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुडा कोई एक अलग रास्ता भी ले सकते हैं अगर कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें नेतृत्व का मौका नहीं दिया, या फिर हरियाणा की है कांग्रेस की वो उनके हवाले ना किया। तो वैसी सूरत में बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि फिर अक्टूबर में जो नतीजे आते हैं उसका कुल मिलाकर के असर क्या होता है। ये चंडीगढ़ एक्सप्रेस लेकर के हम झज्जर पहुंच चुके हैं। अब झज्जर जिले में 4 हलके हैं और ये सब कांग्रेस के प्रभाव वाले इलाके थे, लेकिन पिछले चुनाव में 2 सीटों पर बीजेपी ने सेंध लगा दी। 2 सीट सिर्फ कांग्रेस के पास रही, बेरी और झज्जर, लेकिन बादली और बहादुरगढ़ वो बीजेपी के पास चली गई। अब फिर चुनाव है अक्टूबर में, हर 5 साल के बाद अग्नि परीक्षा देनी है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार झज्जर जिले का जो राजनीतिक समीकरण है वो किस तरीके से बदलता है। देखना इसलिए भी दिलचस्प होगा कि अभी जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो झज्जर जिले में जो 4 हलके हैं 3 में दीपेंद्र हुडा को लीड मिल गई। वो लीड अब इस विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहेगी या फिर क्या होगा ये तो वोटर्स तय करेंगे। लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ झज्जर में घूमिए, चंडीगढ़ एक्सप्रेस में कई सवारियां हैं और 2 ऐसी सवारियां जो इस इलाके में प्रभावशाली मानी जाती, कौन है बस के अंदर चलिए दिखाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चंडीगढ़ एक्सप्रेस झज्जर में पावर्ड बाई PNB किचन मेट। आइए, तो चलिए
ये चंडीगढ़ एक्सप्रेस है और कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब चंडीगढ़ तक छोड़ोगे। हमने कहा हम तो सिर्फ फील देते हैं, फील, जैसे सरकारें, ऑपोजिशन, पॉलिटिकल पार्टीज, नेता हमारी समस्याओं को दूर करने का, जैसे हमें और आपको, वोटर्स को, जनता जनार्दन को जो फील देते हैं ना, वही वाला फील दे रहा हूँ। वरना चंडीगढ़ तो अपनी अपनी बस में पहुँचना होगा और उसके पहले टिकट हासिल करनी होगी। ये झज्जर है और झज्जर में ये चंडीगढ़ एक्सप्रेस इस वक्त, और दो सवारियाँ हैं और दोनों का अपना अपना वजूद है, अपना अपना राजनीति में इम्पोर्टेंस है और इस इलाके में तो कुछ कहना ही नहीं। पहले परिचय करा दूं, हालांकि परिचय के दोनों मोहताज नहीं है, कैमरा जाते ही आप समझ जाएंगे दोनों कौन है, फिर भी इन दोनों सवारियों से आपका एक बार तारुफ करा दूं। ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, बहुत ही सीनियर लीडर, बीजेपी में मंत्री भी हैं, संघर्ष करते रहे हैं, अब पिछले 5 साल से लाल बत्ती का सेवन कर रहे हैं। वो हटवा दिया। एक और सवारी गीता बुक्कल जी हैं, जो 5 साल पहले तक लाल बत्ती की सवारी कर रही थी, मंत्री भी रही हैं, कई पोर्टफोलियो, और हुडा जी की बहुत करीबी भी जानी जाती है। ये इलाका भी, मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि हुडा साहब के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है, लेकिन ये जो विधानसभा चुनाव है ये तय करेगा कि अब चौधर किसकी किसकी कहाँ कहाँ है। और मैं तो अब अक्सर ये कहता हूँ कि वोटर्स आत्ममंथन करें, ये चौधर किसी नेता के पास नहीं, वोटरों के पास होनी चाहिए, ये चौधर वोटरों की ही जागीर होनी चाहिए। बहरहाल मैं सोच रहा हूं किन से शुरू करूं, लेडीज फर्स्ट या मंत्री फर्स्ट, सरकार रूलिंग पार्टी फर्स्ट, तो मैं दुविधा में हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है लेडीज फर्स्ट ही मौका देना चाहिए। ये 5 साल बीजेपी की सरकार रही ऑन अ वेरी सीरियस नोट, लेकिन उसके पहले 10 साल हुडा साहब की सरकार, कांग्रेस नहीं कह रहा हूं, नाम ले रहा हूं, हुडा साहब की सरकार रही। सोनीपत, रोहतक, झज्जर, ये प्रभाव वाला इलाका माना जाता था और ये पिछले विधानसभा चुनाव में साबित भी हुआ। लीडर ऑफ अपोजिशन के लायक तो नहीं हो पाए, लेकिन तीसरे नंबर पे ही रहे, लेकिन जो भी नंबर्स आए वो यही इलाका है जहां से मिला। ये उसके बाद लोकसभा चुनाव भी इस बार हो गया, अब फिर हम विधानसभा चुनाव के दहलीज पे खड़े। हर कालखंड का हिसाब किताब हर चुनाव में होगा और इस इलाके में तो ज्यादा होगा, 5 साल और वो 10 साल, बिना सवाल के मैं ये आपके पास छोड़ रहा हूँ। शशि रंजन जी, सबसे पहले तो हम आपके जनता टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि आपने ये चंडीगढ़ एक्सप्रेस चलाई और इसमें सभी, हाँ, और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, हाँ, सवारी करवाने का आपने मौका दिया। चंडीगढ़ एक्सप्रेस में हम चढ़ा करके तुरंत उतार भी देते हैं, वो जनता पहुंचाएगी चंडीगढ़। चढ़ गए तो चढ़ गए, आप वो निश्चिंत न करें, ये हमारी सवारी जो है चंडीगढ़ जाके ही रुकेगी। जी देखिए, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने बहुत अच्छा एक प्रयास किया। आपने प्रश्न किया 10 साल की कांग्रेस की हुडा सरकार का। हुडा साहब भी कांग्रेस पार्टी के ही चीफ मिनिस्टर रहे, जिन्होंने संपूर्ण हरियाणा में पूरा का पूरा विकास करवाने का काम किया। क्योंकि हमारा रोहतक लोकसभा क्षेत्र, हमारे भाई दीपेंद्र हुडा जी जो पूर्व में सांसद रहे, उनका अपना क्षेत्र रहा, अपने अपने प्रयासों से केंद्र सरकार की योजनाएं हों चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हों, बहुत ज्यादा लेकर आने। हाँ, इस तरह का दुष्प्रचार करने का काम विपक्षी दलों ने जरूर किया कि शैलजा विपक्ष में है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए आप मेरी बात, ये राजकुमार भुखड़ी विपक्ष में है। देखिए आप बताएं कि उन्होंने कोई काम कहा, और राजपाल भुखड़ी जी तो इस बार विधायक थे ही नहीं। मैं तो 10 साल की बात कर रहा हूँ, ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि हुड्डा, झज्जर और सोनीपत के अलावा पूरी तरह से काम करने का प्रयास किया। उस समय विनोद शर्मा जी वहाँ पर थे। मैं हर एक 1.5 महीने 2 महीने पे हरियाणा का एक चक्कर लगा रहा हूँ पिछले 10 साल से। बिल्कुल ठीक बात है, आप थर्मामीटर लेकर चलते हैं। थर्मामीटर भी रखते रहते हैं जी, तो आपको पता चलेगा जो हमारा क्षेत्र है, क्योंकि हमने अपनी आवाज को मजबूती से उठाने का काम किया, हमने अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास किया, हमने उनकी फिजिबिलिटी चेक करवाई। और अपने क्षेत्र में आपने पूरा देखा होगा, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पानी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, ये देन है 10 साल के आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज के समय में। अब इस 5 साल में आप बता दें कि हमारे क्षेत्र के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पर बहुत बार आए, जितनी बार भी आए हमारे कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं परियोजनाएं थी उनका फीता काट के वो चले गए। आप उनसे पूछें, हमारे आदरणीय भाई, हमारे मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ में, हम इसे पूछेंगे हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र के साथ सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने पूर्णतः भेदभाव किया। लेकिन हमने हमारे समय में, हमारा क्योंकि क्षेत्र है, हम यहाँ के विधायक रहे, मंत्री रहे, हमने प्रयास किया और काम करवाए।
मतलब आप 10 साल रही ना, तो 10 साल के बाद तो धनगढ़ साहब के लिए कुछ करने के लिए रह नहीं जाना। देखिए मैं 5 साल मंत्री के तौर पे झज्जर रही, फिर 5 साल में यहाँ पर विपक्ष रही, उससे पहले मैं 5 साल कलायत से विधायक थी। हाँ। लेकिन काम करवाना हमारी प्रवृत्ति में शामिल रहा। झज्जर के बारे में आपको मैं बता दूं, झज्जर जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है वो एक रिजर्व हल्का है। लोगों में एक मिथ रहता है कि रिजर्व हल्कों में काम नहीं होते, वहाँ के विधायक ऐसे ही होते हैं, लेकिन हमने इस मिथ को तोड़ने का काम किया। मेरा जो कबलाना यहाँ का पहला गांव है, वहाँ बहू और खेड़ा थ्रू हमने कोई फर्क नहीं समझा, चाहे झज्जर शहर की बात थी, चाहे सभी गांवों की और 36 बिरादरी जी पूरे जिले की बात करूं तो हमारा जो झज्जर जिला NCR रीजन का जिला है। ठीक है, उतना मुझे सिर्फ 4 काम बताइए जो ऐसा काम था जो हुड्डा साहब के रिजर्व में यहाँ हुआ हो। देखिए ऐसा है, झज्जर जिला जो हमारा NCR का बैकवर्ड जिला माना जाता था, उसको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने का काम हुड्डा साहब की सरकार ने किया, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने किया, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का पार्ट 2 जो यहाँ पर आया। शहर में कल जी, रात आप में अभी झज्जर जिले की बात कर रहे थे, आप मेरा शशि रंजन जी मेरा जवाब सुन लीजिए। आप न केवल प्रदेश में बल्कि देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एम्स पार्ट 2 लाकर और उसके साथ साथ 11 संस्थाएं जो लेकर आए वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हमारे थी। झाड़ली थर्मल पावर प्लांट की 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स 500-500 की और 660 की 2 यूनिट्स की घोषणा, और उसके बाद CLP प्लांट, पैनासोनिक, डेंसो जो कि इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो वो यहाँ पर लेकर आए। उसके अलावा झज्जर जो है हमारा, मैं समझती हूँ कि पहले उसको बैकवर्ड जिलों में जाना जाता था, उसके बाद आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रयासों से जो जसौर खेड़ी में हम लोग लेकर आए, IIT यहाँ पर लेकर आए, IMT लेकर आए, एम्स ले, मतलब बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं। धनखड़ साहब जी, मतलब मैं गीता जी को ना रोकूं तो बस एक चक्कर लगा लेगा जी। गीता के तो 18 अध्याय होते हैं जी, अभी तो शुरुआत हुई है। अगर इतना काम हुआ तो आप लोग जो ये कहते रहते हैं कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, आप जो कर रहे हैं वो हम ही लोग कर रहे हैं। देखिए शशि रंजन जी, बहुत बातें कई बार, एक तो विकास मैं ये कहूँगा कि कंटिन्यूएशन में चलता है और उसमें ब्रेक भी लगे हुए होते हैं। अगर मुझे कहना हो तो एक 1.5 डिकेड पुरानी KMP जिस पर नील गायें घूमने लगी थी और ऐसा काम पड़ा हुआ था, पूरे के पूरे 10 साल निकल गए, उससे पिछली सरकार के 5 साल निकल गए, अब आप उस पर गाड़ियां दौड़ती हुई देख सकते हो। इस सरकार के समय में समयबद्ध रूप से तेजी के साथ विकसित कराया, जो इस पूरे ज़िले के लिए एक लाइफलाइन बना है। उसी के साथ एक कंसेप्ट ले आए कि एक ट्रेन जो है उसके MP के साथ साथ निकलेगी, मंजूरी हो गई है। उसी के साथ आगे बढ़ गए कि किस तरह से मेट्रो जो है बाढ़सा तक आ सकती है, उस विषय की DPR बन रही। इसी तरह से फरकनगर से दादरी तक जाने वाली रेलवे लाइन जो गीता जी का भी हमारा भी, उसकी DPR बनने का काम हुआ है। इसी तरह से जो एम्स की बहन बात कर रही हैं, ये ठीक है कि उसका कंसेप्ट कांग्रेस के समय में शुरू हुआ, लेकिन उसको 2015 में भूमि पूजन करके और उसका उद्घाटन करने का काम भी हमारे समय में हुआ, उसका शुरुआत होने का काम हमारे समय में हुआ। बहुत वर्षों से सैनिक स्कूल की फाइलें कहीं गुम थी, अब उसको हम निकलवा कर लाए हैं। कुछ अड़चनें आई हैं वन भूमि वगैरह की, उसको भी दूर करके आगे बढ़ना है। उस नाते से ये झज्जर हमारी जो है ये पालिका थी, इसको हमने परिषद बना लिया है। आप देखिए कि ये चौधर के नारा बहुत ज़ोरदार था, लेकिन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो कोई ग्राम सचिव और जो है पटवारी से बड़ा अफसर ही नहीं था। हमने बादली को सब डिवीज़न बनवाया, हमने वहाँ तहसील बनवाई, तहसीलदार बैठवाया, एक ही झटके में बनाया, उसको ब्लॉक बनवाया, कोई भी ध्यान यहाँ देता नहीं था। उस नाते से केवल और केवल ये नारे जरूर चलते थे कि भाई इलाके की चौधर है, इलाके की चौधर है। मुझे ये कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है कि सांपला तो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, हुड्डा साहब की, में वहाँ SDM बैठाने का काम हमने किया, वो SDM भी नहीं बैठा पाए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी। तो विकास वैसे एक सतत प्रक्रिया है, कुछ चीज़ों की बात पहली सरकार में अगर रहती है तो कंसेप्ट शुरू होते हैं, अगली सरकारों में डेवलप होती है, लेकिन कौन सरकार तेजी के साथ काम करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ा रही है, लगातार उस प्रकार से हमने काम किया है। और इस तरह से काम किया है कि भाई कोई भेद हमने उस प्रकार का रखने का प्रयास नहीं किया। ये ठीक बात है, मैं ये भी मानूंगा कि जहाँ विधायक होता है पार्टी का, वो थोड़ा ज्यादा जोर से लगा रहता है, अधिकार भी मानता है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि भेदभाव, तो गीता जी से बात हो रही थी, वो बता भी देंगी, वो कह रही थी कि मेरा सबसे बड़ा आरोप सरकार पे यही है कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आप झज्जर घूम लीजिए, यहाँ से मैं हूँ, और बादली घूम लीजिए, वहाँ से धनखड़ है, वहाँ BJP की सरकार है, हम यहाँ लीडर मतलब अपोजिशन वाले हैं, और आप दोनों इलाकों का फर्क देख लीजिए। ये कह रही जी, बिल्कुल मैं इस बात से देखिए, तो ये सबका साथ सबका विकास, पड़ोस में ही बहन को तो 10 साल मिले थे, मुझ बेचारे को तो अभी 5 ही मिले। नहीं,
आप एक तो बेचारे नहीं सरकार के मंत्री हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, और मैं भी 5 साल की मंत्री रही, और दूसरी 5 का बहुत फर्क होता है। और जहां तक वो जो करा पाने की स्थिति में थे, जो उनके पास समय था, फिर इस इलाके की मुख्यमंत्री और चौधरी के नारे भी उस समय प्लस में थे, जो आप बात कर रहे हो वो और प्लस में बात थी उस समय। आज मुझे तो केवल एक उस नाते से जो है आप ये कह सकते हो कि इनके पास मुख्यमंत्री की पावर भी होती थी साथ साथ, ओम प्रकाश धनखड़ के पास केवल मंत्री की पावर, शशि रंजन जी, लेकिन मंत्री का दर्द जो है जुबान पे आ गया। मंत्री जी ने भी जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था ये कहा था कि हम बादली में चौधर लाएंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी लाएंगे, और उस नाम पर वोट लेने का काम किया था। और आज बादली हलके से हमारे भाई मंत्री हैं, और झज्जर के साथ भेदभाव अभी भी जो योजनाएं गिनवाई वो पाइपलाइन में ही है जो हम छोड़कर गए थे। सैनिक स्कूल का हमने प्रयास किया, 274 एकड़ लैंड हमने हमारे गांव ने दी, वो कंप्लीट नहीं हुई। हमने सेंट्रल स्कूल करवाया था, वो हमारी प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट करने का काम किया था। हमारा प्रारंभ इंस्टीट्यूट जो हम एक लंदन से कंसेप्ट लेकर आए थे, उसमें हमारा 10+2 के बाद बीए बीकॉम बीएससी प्लस बीएड का कंसेप्ट लाए, आज तक उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हुई। एजुकेशन मिनिस्टर वाले लोग लंदन बड़ा घूमते हैं जी, लंदन का लंदन देखिए, इसलिए राम बिलास जी एक जेब में लेकर के चलते हैं, बार बार निकाल देते हैं। देखिए सचिव जी, क्योंकि हमने कहा इसका लैमिनेशन करवा लीजिए, इतनी बार अंदर बाहर कर रहे हैं कि फट जी। आप ठीक कह रहे हैं, देखिए स्कूली एजुकेशन में हरियाणा हमारा बहुत बढ़िया है। हायर एजुकेशन के मामले में अगर हम बात करें, ये जो कंसेप्ट हम लेकर आए बीए बीएड बीए बीकॉम बीएससी अभी हम पहले एक बार जी, जो जी, एक मसला है जो आप लोग हमेशा कहते रहे, अगर हम लंदन पे आते तो कितने हम चंडीगढ़ पर ही बादली में बहुत काम हो गया, झज्जर में नहीं हुआ, ये आरोप लगता है धनखड़ साहब। चर्चा की जिन जिन बात, देखिए एक तो गीता जी को भी ध्यान में है, राजपाल सुभाग जी, बाकी कई हमारे साथी बैठे हैं, ये रोहतक से रेवाड़ी के रेल का कंसेप्ट कब शुरू हुआ था और कब जाकर इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। पहला बजट अलोकेशन जब बीजेपी की सरकार थी तब हम करा के लाए थे, लेकिन सरे मिलने का काम बीच में हुड्डा सरकार आ गई, कांग्रेस आ गई, उनको मिला। जब रेलवे और बाकी चीज़ों के जब कंसेप्ट होते हैं तो बहुत चीज़ों के कंसेप्ट होते होते उसमें 5-7 साल लगते हैं रेलवे जैसे विषय में, ये सबकी जानकारी में। केवल उसको तुरंत ये कहना कि ये शुरुआत हुई है इस बात की, सर्वे हो गए हैं, DPR बन रही है, KMP का कितना पुराना था, लेकिन सब बीच में लटक गया था, हमने किया। मैंने कहा ये झज्जर जैसी पालिका थी, परिषद बनाने का हमने काम किया। सैनिक स्कूल के बारे में ये कहने लगे थे कि फाइल गुम हो गई है, उस सारे का बजट अलोकेशन तक के काम नहीं, बिल्कुल ये कांग्रेस सरकार की तरफ से आता था। तो ये जो है ना वहाँ तक हम पहुँचे जाकर, मैंने खुद जो है हमारे रक्षा मंत्री जी के यहाँ बार बार दौरे लगाए, निर्मला सीतारमन जी से बात करके मैंने कहा इसको तुरंत कराइए, सरकार में उसमें हम आगे बढ़ाने में कामयाब हुए। तो एक एक चीज़ ऐसा नहीं है, फिर हर गांव में जिस प्रकार से विकास का काम सब जगह कराने का प्रयास हुआ है, ये सरकार उस नाते से काम करती है। फिर कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि ऐसा है कि मान लो 10 साल हम रहते हैं, 15 साल हम रहते हैं, कुछ चीज़ों के कंसेप्ट शुरू करके जाएंगे तो अगली सरकारों को भी करने, जैसे एम्स की बात आई, मैंने कहा ना कि था कांग्रेस का कंसेप्ट लेकिन पूरा किसने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे आके पूरा किया। और KMP का काम बहुत पुराना कंसेप्ट था, उसको आगे बढ़ाया। तो एक एक चीज़ हम उस प्रकार, जैसे मैंने कहा कि हम तो अरे यार एक कॉन्स्टिट्यूंसी थे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी सब डिवीजन नहीं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई तहसील नहीं, कोई BDO नहीं, इतनी भारी उपेक्षा, वो भी झज्जर विधानसभा में हमारे सब डिवीजन मातनहेल बनने की बात थी। भाई साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, आपने क्यों नहीं सोचा कि झज्जर विधानसभा क्षेत्र भी बगल में ही है तो उसमें भी बनाया जा सकता था। एम्स की OPD हमने स्टार्ट करवा दी, कैंसर इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ। मैं पूछना चाहूंगी, मनेठी की तो घोषणा लोकसभा के बजट में भी हो गई थी, आज भी लोग धरने पर बैठे हैं मनेठी में भी। हमारा केवल कहना यह है कि झज्जर सिटी में नगर पालिका को नगर परिषद बना दिया, उससे क्या फर्क पड़ा। यहाँ पे कोई भी नया डेवलपमेंट, एक सड़क, गली, नाला कुछ बनता हुआ नजर आया हो। हमारे समय में हमने झज्जर शहर में हर धर्मशाला चौपाल को बनाने का काम किया, हर कास्ट की कम्युनिटी सेंटर को बनाने का काम किया, सौंदर्यकरण, हमने पार्कों के सौंदर्यकरण का काम करने का काम किया। झज्जर से हर रोड पे आप निकलोगे ना, अभी आप इस सड़क से जहाँ से आए हो, आपको एक फ्लाईओवर बनता दिख रहा था, दिख रहा था ना, इसके लिए आप इधर जाओ मेरे वाले गांव की तरफ, आपको फ्लाईओवर बनता दिखाई देगा। आप सिलानी रोड पे जाओगे, आपको फ्लाईओवर बनता दिखाई देगा। आप दुजाना की तरफ जाओगे, आपको फ्लाईओवर बनता दिखाई देगा। हर जगह बदलाव बना जा रहा है, बदलता जा रहा है, काम हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा झज्जर चारों तरफ से, आप जब झज्जर की एंट्री आपकी इतनी निर्बाध रूप से हो जाएगी,
जब चारों तरफ से आप इतने आराम से घुसोगे, देखोगे कि पूरा नजरिया बदल रहा है। बिल्कुल छोटी छोटी सड़कों के भी नीचे से हमने जो है ट्रेन के नीचे से भी जो पहले मंजूर नहीं थे वो अंडर पास भी उसमें से बनवाए हैं। बिल्कुल स्मूथ एसेस हो रही है, एक एक चीज लगातार बढ़ती जा रही है, बेहतरी की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ बढ़ रहे हैं। झज्जर शहर से हम लोग जब ग्वालियर, और ये झज्जर वाली बात बिल्कुल सही है कि 10 साल राज था हुड्डा साहब का, उन्होंने झज्जर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आप रोहतक और झज्जर की तुलना कर लो, 10 साल बैठे थे पहले जो इनके सांसद बने हैं ना जी, नारे वो यूं कहते हैं सारे के सारे काम रोहतक झज्जर सोनीपत में हो गए, नारे आज बीजेपी में आ गए तो सब कुछ नजर नहीं आता। के नाम के झज्जर में कुछ नहीं था, क्योंकि तो झज्जर आगे देखा ना, हम तो झज्जर ही कहते हैं, झज्जर आगे देखा तो अड़े नहीं पाया कुछ। ये मैंने कहा परिषद भी मैंने कराई ऐसा है, मैंने ये बताया, ये सब चीजें हम करा रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ तो नारे मारते थे, यहाँ तो जमीनें ली गई थी और सेज के नाम से ली गई थी, और फिर वो सेज डीनोटिफाई कर दिया, फिर पक्ष में जाके खड़े हो गए उसको ग्लोबल सिटी के नाम पर। उसका मकसद क्या था कि ये जो जमीनें ली गई थी सेज के नाम पर, ये किसी वो जो हमारा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ था और उसमें जो बड़ी से बड़ी जोत कितनी हो सकती थी उससे बड़े वाले सिस्टम से बाहर निकालने के लिए, और इसको ग्लोबल सिटी का दर्जा दे कर जहाँ नीलगायें घूम रही हैं उसको सिटी बना दिया गया साहब। ये काम थे इस प्रकार के, ये जमीनें हमारी सरकार ने का काम किया, यहाँ विकास के काम नहीं। देखिए मेरे तो प्रोजेक्ट्स को ले जाने का काम किया, मेरे यहाँ पर झज्जर विधानसभा क्षेत्र में जिला लेवल का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनना था, उसकी प्रक्रिया चल गई थी, लैंड एक्वायर हो गई थी 41 एकड़ के करीब। जब मेरा विधानसभा में प्रश्न पिछली बार भी लगा किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाया, इस बार जब लगा कि मेरे झज्जर कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्टेडियम कब पूरा हो जाएगा, तो मंत्री जी ने कहा कि हमने उसको 19 करोड़ रुपया सिलाना में सैंक्शन कर दिया, तो हमारा तो स्टेडियम भी उठाकर जो है वो बादली ले जाने का काम किया। मेरे यहाँ पर छूछकवास बाईपास जिसमें डेली एक्सीडेंट्स होते हैं और मैंने प्रत्यक्ष रूप पर अपने सामने इतने एक्सीडेंट और डेथ होते हुए देखी है, 5 साल तक करते रहे। हमारा वो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट था, लैंड हमारी एक्वायर हो रही थी, उसके बाद आने के बाद एक बाईपास भी निकालने का काम नहीं किया। ये छूछकवास वाला बड़ा मसला है, मैं भी वहां पे गया था। बहुत जानकारी है, काम आगे बढ़ गया है, ज्यादातर लोगों ने अपने दे दिया है, वो होने वाला है। देखिए होने वाला है तो वो बात है कि 5 साल में कुछ अभी उन्होंने सवाल पूछा उसका जवाब दिया, मेरा प्रश्न आया, जवाब आया, ये लेके आए हैं जवाब, जो है विधानसभा में जवाब ले, वो जवाब भी बता, जवाब आ गया। अब तो आचार संहिता लगने वाली है, छूछकवास बाईपास तो नहीं बना। जनरल हॉस्पिटल में हमारे आदरणीय भाई हैं, अक्सर जाते हैं पोलियो की ड्रॉप्स पिलाने के लिए, वहाँ पर 100 बेडेड हमारा हॉस्पिटल है, डायलिसिस के लिए 2 साल पहले अश्योरेंस मिला नहीं आया। जिस दिन मेरा विधानसभा में प्रश्न लगा, एक रात पहले वहाँ पर जाके डायलिसिस की मशीनें उतर गई और जो पुरानी बिल्डिंग थी डेमोलिश हो चुकी, वो मतलब डेमोलिश होके गिर गई। सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस की मशीनें रूटीन से जा रही हैं, सवाल से नहीं पहुंचती हैं। उसी दिन सवाल से नहीं पूछते, बहन को पता है, बहन ने भी बहुत सवालों के जवाब दिए हैं। सरकार की ये ठीक है कि एश्योरेंस विधानसभा की होती है, लेकिन वो एश्योरेंस पूरी होने में भी 3-4 महीने लगते हैं। योजना चली हुई थी डायलिसिस की मशीन संयोग से उसी दिन उतरी जिस दिन सवाल आए, बहुत अच्छी बात है। हमारे सवाल से नहीं उतरती है, सवाल जवाब ये भी देते हैं, जवाब में भी विपक्ष में अगर सवाल लगेंगे तो ये उससे काम नहीं करेंगे, खुद ही कह रहे हैं मंत्री जी, कह रहे हैं कि विपक्ष के सवालों से नहीं लगेगा। मेरा मातनहिल का हॉस्पिटल हमने सीएलपी प्लांट से कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी के तहत बनवाया था, और मंत्री जी ने, जो स्वास्थ्य मंत्री है, मेरे पास स्वास्थ्य विभाग भी रहा है, उन्होंने कहा हमें इसकी जानकारी ही नहीं थी कि कोई बिल्डिंग तैयार होकर रह गई। वो तो आपने जब बताया उसमें हमारी अल्ट्रासाउंड एक्सरे मशीनें बंद की बंद पड़ी है। पीएचसी मातनहिल को 50 बेडेड में शिफ्ट किया गया, एक भी डॉक्टर, एक डॉक्टर अमित है जिनकी नियुक्ति, कोई नियुक्ति नहीं हुई। इसका मतलब हमारे प्रश्नों का एक डॉक्टर पीएचसी को जो शिफ्ट किया, एक डॉक्टर, दो नर्सिस, दो एएनएम पीएचसी को शिफ्ट किया, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अमित हैं अभी, ऐसा है जी। पीएचसी को मातनहिल में खोल दिया जी, उसमें पुलिस स्टेशन, पीएचसी को उसमें हमारे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, आज तक उसमें डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हुई, मात्र एक जो पीएचसी की होना चाहिए वो डॉक्टर है। तो मैं कहना चाहती हूँ मेरे यहाँ पे प्रारंभ इंस्टीट्यूट मैंने बताया, उसकी आज तक बिल्डिंग नहीं बनी, हमने 4 कॉलेजेस बनवाए, हमारे यहाँ पर एक टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ को सैंक्शन नहीं मिली, यहाँ पर एक किसी कॉलेज में कमरा बनवाया हो। प्रदेश में 429 स्कूलों में साइंस स्ट्रीम बंद कर दी, ग्वालिसन स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा बना, बच्चे हमारे जो है वो बाहर बैठते रहे, हमने हल्ला किया, पैसा सैंक्शन करवाया, उसके बाद अब टेंडर की प्रक्रिया जारी है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्रों में आप झज्जर का हमारा नेहरू कॉलेज है जिसमें कि आदरणीय नेहरू जी ने उसका फाउंडेशन रखा था, इंदिरा जी ने इनॉग्रेट किया, हमने साइंस कॉमर्स की बिल्डिंग्स बनवाई, साथ साथ में हमने 1000 की कैपेसिटी का एसी हॉल बनवाया, सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स तक में उसको इस्तेमाल करने का काम किया,
लाखों रुपया। आप इतना जो कह रही हैं, धनखड़ साहब भी बैठे हुए हैं, सब लोग सुन रहे हैं, तो धनखड़ साहब की पार्टी तो 75 पार को लेके एकदम सीना चौड़ा, 56 क्या 156 किए फिर घूम रहे हैं। देखिए नारे लगाने में क्या, हम भी कह दे 80 पार, 90 पार, 100 पार, इनके 75 पार है जो ज्वाइनिंग करा रहे हैं दूसरे पार्टियों से। जब युद्ध मचेगा, जब आचार संहिता लगेगी, टिकटों का जब बंटवारा होगा, तब पता चलेगा। मैं, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, मैं इज्जत करती हूँ। 75 पार में क्या धनखड़ जी की सीट शामिल है? क्योंकि लोकसभा में क्या इन्होंने मदद नहीं की क्या कैंडिडेट की? लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी जो है बादली विधानसभा क्षेत्र से वो हारे हैं, जबकि झज्जर से हमारे कांग्रेस के जो हमारे सांसद तो पिछले बार भी हारे थे, पिछले लोकसभा चुनाव में भी जी बादली से दीपेंद्र को लीड थी जी, इस बार भी लीड है। तो फिर भी हमारे भाई ने चौधरकार मुख्यमंत्री का नारा दिया था। अच्छा। तो इस बार तो इनकी डिमांड जो है वो दादरी में भी हो रही है। तो मैं अच्छा। तो पूछना चाहती हूँ कि अच्छी ये, बात है ये, आप तैयारी के साथ गीता जी जो कह रही है, बड़ी चर्चा है कि आप दादरी जो है वो लड़ना चाहते हैं। ये कितने ये सोशल मीडिया पे राजनीतिक हलकों में गलियारों में बहुत चर्चा है कि धनखड़ साहब बादली से दादरी जाना चाहते हैं। देखिए एक तो मैं बहन को बता दूं कि ये सही है कि एक जमाने में ये कांग्रेस का गढ़ था और इस गढ़ में मैं आया था और इस गढ़ में वो गढ़ ही तोड़ने के लिए मुझे भेजा था। और उस समय पहले जितने भी बीजेपी के लोग लड़ते रहे उनसे सबसे ज़्यादा वोट मैंने, दो दो बार के भी जोड़ लें तो उससे ज़्यादा 3,79,000 वोट, 19,000 वोट तब लिए थे जब मुख्यमंत्री पिता हो, पुत्र लड़ रहा हो, ऊपर भी कांग्रेस की सरकार हो, उस समय मैं यहाँ इतने वोट लेकर मैं लोकसभा में आया। और उसके बाद मैंने जिद करके ये विधानसभा लड़ी। हालांकि आप जैसे बहुत समझदार सलाहकार मुझे कह रहे थे कि बहुत पार्टी के बड़े नेता और बहुत सुरक्षित सीटें हैं वहाँ लड़िए, मैंने कहा नहीं, मैं इसी अपनी बादली की सीट पर लड़ूंगा। और बादली की सीट से मैंने लड़ना तय किया। उस समय भी कांग्रेस पार्टी के वोट हमसे ज़्यादा थे और मुझे 41,000 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी एक डिवाइडेड हाउस था। और अब जब हम लोकसभा के चुनाव में आए तो हमने अपने 41,000 वोट विधानसभा में मिले थे, हम 50,000 क्रॉस करके आगे गए। और जिस प्रकार का इस समय ध्रुवीकरण था, अब हम बता रहे हैं कि अब 50,000 से हम 75,000 पर पहुँचेंगे पूरी जो है मुस्तैदी के साथ। बादली में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। बहन प्रेम में चिंता ना करें, राखी का त्यौहार है, ऐसे दिनों में बहने भाई तो चिंता करते हैं। रहेंगे बादली, बादली से 75,000 वोटों से जीतने वाले हैं। पूरा अनुकूलतम वातावरण है, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। जिस प्रकार से उस वातावरण में चुनौतीपूर्वक चैलेंज मानकर, जिस समय बहुत लोग ऐसी सलाह दे रहे थे कि बहुत अच्छी अच्छी सेफ सीटें हैं साहब जहाँ से जीत कर आए हैं, मैंने कहा गढ़ बादली ही रहेगा। तो उस नाते से दमदारी के साथ जो है यहाँ उतरे और आज तो बहुत ही, अब तो काम भी किया है, बहुत अनुकूलतम वातावरण है, तो उस नाते कोई कठिनाई नहीं मतलब है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है, बहुत इस ढंग से हमने ऐसे काम किया, शिक्षित पंचायतें बनाई, ODF किया और स्वच्छता को आगे बढ़ाया, हम आगे ले गए कि किस तरह से पंचायतों को ज़्यादा खर्च करने का अधिकार दे, 20-20 लाख रुपए सरपंचों को अधिकार दे दिए। एक एक ग्रामीण क्षेत्र में आप उस बदलाव को महसूस कर सकते हो। गाँव में ग्राम गौरवपट लगाए जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वार में शहीद हुए थे, सेकंड वर्ल्ड वार में हुए थे, जो हमारे 65, 71, 62 में शहीद हुए थे। हमारे 48 में कबायलियों ने जब आक्रमण किया तो मेरे गाँव का दिलीप सिंह उस समय भी शहीद हुआ था। तो आज भी हम एक वृक्षारोपण कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर में एक पेड़ पहुंचाते हैं, पहुंचा रहे हैं एक पेड़ शहीदों के नाम, क्योंकि उस कश्मीर को हमने रक्त से सींचा है जहां से 370 हटाई गई है। हरियाणा के वीरों का खून वहां लगातार पड़ा है, 3-3 पीढ़ियां एक तरह से बलिदान हो गई हैं। मेरे जिले का कोई शायद गाँव ऐसा होगा जहाँ किसी शहीद की प्रतिमा नहीं हो जिसने कश्मीर में अपना बलिदान दे दिया हो, कई जगह तो एक से भी ज़्यादा हैं। तो ये सारा इलाका इस प्रकार की वीर भूमि है और इस वीर भूमि में वीरों के सम्मान के लिए गौरवपट हर गांव में गौरवपट हम लगा रहे हैं। इसी तरह से पंचायतों को हमने मजबूत किया, जिला परिषद को हमने मजबूत किया, ब्लॉक समिति को हमने मजबूत किया, नए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मैंने कहा हमने खड़ा किया, प्रशासनिक इकाइयाँ खड़ी की, लगातार एक काम की तरफ चल। ये तो हिसाब केवल 58 महीने का है, जब और एक पारी मिलेगी तो आप बहुत बड़ा बदलाव यहाँ होते हुए देखेंगे। बहुत सारी चीज़ों के जो कंसेप्ट शुरू हो गए हैं, जिन नए रेलवे ट्रैक्स की बात मैंने की है, जिस प्रकार से नई चीज़ें यहाँ आ रही हैं, जिस प्रकार डेवलपमेंट की मैंने चर्चा की, आप झज्जर के चारों तरफ से निकलोगे तो बदलाव होते हुए देखोगे, बहादुरगढ़ जाओगे तो बदलाव होते हुए देखोगे, पूरा का पूरा जिस प्रकार के क्षेत्र बदल रहा है उसको आप महसूस कर सकते हो। ये जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं साथ साथ ये नौकरियों की बात करते हैं, आजकल इनका बड़ा एक स्लोगन है, ना खर्चा ना खर्ची ना पर्ची,
और वो इशारा आपकी आप लोग कांग्रेस की तरफ भी INLD की तरफ भी ये तमाम है, ये जो एक कॉन्फिडेंस आजकल BJP में आया हुआ है, ऊपर से 370 का एक मसला भी आ गया है, उसको टैकल करना कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होगा या उसके लिए क्या रणनीति है, वो भी तब जब हरियाणा में कांग्रेस डिवाइडेड है। आपने ही खुद आपने भी कहा था कि लोकसभा के बाद अशोक तंवर को इस्तीफा देना चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि मैं अकेले क्यों दूं, ये तो सामूहिक जिम्मेवारी की बात है। जब इस तरह की बात कांग्रेस में हो रही हो और कई सारे गोत्र कांग्रेस के अंदर हो, 18 तारीख को भूपेन्द्र सिंह हुडा को रैली करनी पड़ी है, या तो 14 दो या फिर हम बाहर निकले, मतलब लीडरशिप वो होनी चाहिए। इस एक डिवाइडेड हाउस INLD को खाली कर दिया धनखड़ साहब की पार्टी ने जी, कैसे टैकल करेंगे? कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूती के साथ लगी हुई है। आपने कहा कि बिना खर्ची बिना पर्ची, तो SS बोर्ड के चेयरमैन तक को इन्होंने सस्पेंड करने का काम किया। SS कमीशन के हमारे कितने सारे कर्मचारी हैं जो कि जेल की यात्रा तक करके आए। अगर हमने फेयर भर्ती नहीं की होती तो जो हमारे DP वत्स HPSC के चेयरमैन थे उनको तो ये सजा कर राज्यसभा में ले गए। तो जो हमारे यहाँ रहे वो करप्ट, जो इनके यहाँ जाए उसका शुद्धिकरण हो जाए, ये कहाँ का कंसेप्ट है? आपने धारा 370 की बात कही। देखिए, धारा 370 से अगर हमारे देश में अमन चैन और शांति का वातावरण बनता है तो हम कहते हैं सही है, लेकिन उसमें क्यों आप उसको यूनियन टेरिटरी में बांटकर LG लगाना चाहते हैं? क्यों जम्मू कश्मीर को एक संपूर्ण राज्य का दर्जा आप दे दें ताकि वहां पे उनकी अपनी गवर्नमेंट हो, अपना सिस्टम हो, अपना सब कुछ हो? और इसमें यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां पर बेहतरीन पूरी तरह से रहनी चाहिए और वहां के जो लोकल लीडर्स हैं उनको नजरबंद नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, धारा 370 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, उन्होंने उस वायदे को पूरा किया और देश हित में लिया गया अगर ये फैसला है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उसके खिलाफ तो नहीं है। वो कदम आगे बढ़ गए। धनखड़ साहब पिछले चुनाव में बिहार बंगाल घूम रहे थे। देखिए, तो बिहार बंगाल तो कश्मीर तक की चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का सरकार ने जो नारा दिया और जो बेटियों की दुर्गति इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के में हुई, मुझे दुख है कि प्रदेश के मुखिया जिनकी इतनी संकीर्ण सोच है, अभी धारा 370 तो 31 अक्टूबर से पूरी तरह से लागू होगी, उससे पहले ही बेटियों को लेकर उन्होंने जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं कड़े शब्दों में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की निंदा करती हूँ। उनको इस बारे में माफी मांगनी चाहिए। पहले तो धनखड़ साहब ने ये कहा था कि यहाँ पर लड़कियां नहीं मिल रही हैं, हम बिहार से ले आएंगे, और मुख्यमंत्री ने अभी तो जम्मू कश्मीर अस्तित्व में यूनियन टेरिटरीज आई भी नहीं और वहां की बेटियों को लेकर जो इस प्रकार की टिप्पणी की है, मैं निंदा करती हूं। ये बड़ा ही शर्मनाक, बड़ा ही शर्मनाक बयान है। नरोवे कुंजरो जैसा है जो उन्होंने पूरा कहा है, सोशल मीडिया पे सब चल रहा है। मजाक बेटियां कोई मजाक का विषय नहीं है, कोई मजाक नहीं है। बेटियां कहा ये मजाक का विषय, गलत बात नहीं। मैंने उनकी कोई गलत बात नहीं की। गीताजी गलत कह रही हैं, गीताजी बहुत जिम्मेदार हैं। उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि हम बेटी बचाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आगे बढ़ रहे हैं। वुमेन कमीशन के चेयरमैन का स्टेटमेंट सुना होगा, हम सब आपने स्वाति का स्टेटमेंट सुना होगा, हम सब उस पर बढ़ रहे हैं। आधा सेंटेंस उठाओ और उसको चला दो। उन्होंने जो कहा कि हमारा सेक्स रेशियो अच्छा हो रहा है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने केवल और केवल जो सोशल मीडिया पर चली हुई बात का केवल जिक्र मात्र किया और उसके कारण से उनको ऐसे घेरना बहुत निंदनीय है, गलत बात है। मैंने राज्यपाल जम्मू के राज्यपाल मैंने जम्मू के राज्यपाल महोदय का आज अखबार में स्टेटमेंट पढ़ी कि वो इस विषय में मोदी जी से बात करेंगे। गलत है। देखिए, आज मैंने अखबार में पढ़ा, सब जगह परोसा जाता है ना। नहीं, मैंने आधी लाइन पकड़ के परोसते हैं। नहीं, मैंने आधी लाइन पकड़ के परोसने से मैंने उनकी पूरी स्पीच सुनी। अश्वत्थामा हतो, इतना कहो, नरोवे कुंजरो और दूसरे को खत्म कर दो, यही षड्यंत्र है। देखिए, कोई षड्यंत्र नहीं। आधी बात पकड़ो, अभी चलवा लें, अपने हिसाब से चलवा लें, और द्रोणाचार्य का सर काट दो। आपके तो मीडिया के ऊपर वो एलिगेशन है, बिल्कुल मीडिया की न्यूज सब जो भी उन्होंने इसने भी किया है वो इसी तरह से किया है कि आधी बात कह के और सर काटने का काम जम्मू एंड कश्मीर की। आज मैंने मीडिया में स्टेटमेंट, आजकल सर वैसे नहीं काटते जाते, आजकल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की खत्म की राष्ट्रीय अध्यक्ष की हमने स्टेटमेंट पढ़ी आज अखबार में कि किसी भी प्रकार से मुक्त होते हैं, बिल्कुल गलत है। वही मुख्यमंत्री है। RSS की मानसिकता जो है महिलाओं के और बेटियों के प्रति जो है संगठन मुख्यमंत्री जी की RSS की जो मानसिकता थी इस मामले में वो सामने निकल कर आई है, उसमें उनको माफी मांगनी चाहिए। हमारे बेटियों की क्या समस्या? भ्रूण को बचाने से बेटियां बच जाएंगी? और पता नहीं क्या क्या क्यों कांग्रेस की पोल खुलवाती हो। देखिए, इसका माहौल अच्छा रखो, वहाँ मत देखिए ऐसा तंदूरों में बहने बेटियों को डालने वाले क्या बहन बेटियों की बात बताएं।
आपके जो सिंगर भाई क्या होटलों से बहन बेटियों को भारतीय जनता पार्टी के बहन बेटियों की बात करेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज वो उन्नाव की रेप पीड़िता हमारी जीवन से जंग लड़ रही है, बीजेपी ने उसको निकालने का काम नहीं किया था, जेल में थे उनके सारे के सारे परिवार को मारने का काम किया, और आज भी आपने कहा कि रेप वालों को जो है हम फांसी की सजा देंगे। किसी अच्छे मुद्दे पर बात करिए, देखिए ये बेबुनियाद मुद्दों पर समय मत खराब करिए। ये देखिए बहन बेटियों की चर्चा को बेबुनियाद वर्ल्ड हमें आप बेबुनियाद मत करिए। नहीं बिल्कुल भारत देश की जान मान शान है, बहन और बेटियां आप कांग्रेस पार्टी ने प्राचीर सम्मान किया है, प्रधानमंत्री जी और ये ऐसे सम्मानित होते तो ये ऐसे विषय नहीं होते कांग्रेस की। शशि रंजन जी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है और बिल्कुल उन्होंने वो स्टेटमेंट नहीं दिया, ये झूठी बात है और ये झूठा है और उनका पूरा स्टेटमेंट दिखाया जाना चाहिए सोशल मीडिया पर, सारा चल रहा है। बिहार की इनकी बात पर मोहर लगाई, इन्होंने बिहार की बात पर मोहर लगाते हुए जम्मू की बात, इसलिए जो है बिल्कुल झूठ है वो बात। हम लोग आगे बढ़ जाए अब, हाँ बिल्कुल बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, चंडीगढ़ एक्सप्रेस को आगे बढ़ाइए। चंडीगढ़ एक्सप्रेस में महिलाओं के मान सम्मान की पूरी बात और चर्चा और बेटियों के बचाव की बात पूरी होनी चाहिए, क्योंकि नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के जो आंकड़े आए हैं उसमें बहन बेटियों की स्थिति कोई बहुत हरियाणा में अच्छी नहीं है। ठीक है, हम तो देखिए इस बस में मिठाई खिला करके शुरुआत करते हैं, मुंह मीठा करा के कि माहौल मीठा मीठा रहे, लेकिन हर अभी हम युद्ध के मैदान में जाने वाले हैं। हाँ। कैसे बात बनेगी, जंग लड़नी होगी, लड़ाई चंडीगढ़ की है और बातों के तीर चलाने हैं, अस्थमा हतो नरो वे कुंजरो करना है। रोहतक का कार्यक्रम जगत प्रकाश नड्डा जी के सामने इकट्ठा बैठा दिया है, जितनी बड़ी रैलियां होती है उतनी बड़ी हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक थी, और अब फिर से मुख्यमंत्री जी की यात्रा 18 तारीख से शुरू हो रही है। हम पसीना बहाने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, हम नाम की नामधारी राजनीति नहीं करते कि राहुल जी गए तो सोनिया जी आ गई, सोनिया जी गए तो राहुल जी आ गई, एक ही परिवार से बाहर नहीं निकलते, ऐसा नहीं है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये पसीना बहाती है, नीचे जाकर मेहनत करती है, ये दिल्ली की तरफ नहीं दौड़ते, ये बूथ की तरफ दौड़ते हैं, गांव की तरफ दौड़ते हैं, एक एक कार्यकर्ता पसीना बहा रहा है। ये केवल नौटंकी नहीं करते कि आज ये कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे, परिवर्तन रैली करेंगे, हृदय परिवर्तन करो ना, बुलाओ अशोक तंवर जी को रैली में, करो उनका धन्यवाद, उनको पगड़ी पहनाओ। अगर हृदय परिवर्तन हो रहा था, एक दलित के बेटे को अध्यक्ष नहीं मान रहे, पूरा पूरे की पूरी ट्रम निकाल दी बेचारे की, लठ मारे उसको, ये कैसा कैसा परिवर्तन है भैया, हृदय परिवर्तन करो। इस हृदय परिवर्तन नहीं होने से ही दुर्गति हो गई है। सब देखते हैं, हर कोई समाज का वर्ग देखता है कि ये कहाँ खड़े हैं और कहाँ नहीं खड़े हैं, किसको स्वीकार करते हैं किसको स्वीकार नहीं करते, ये सारा समाज देखता है और इसीलिए इस प्रकार के परिणाम आया करते हैं। इसलिए जब तक छोड़ते जाएंगे, जब तक व्यक्तिगत राजनीति करेंगे, परिवारों से बाहर नहीं निकलेंगे, नामधारियों से बाहर नहीं निकलेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया, हम तो नहीं कह रहे आप किसी को प्रधानमंत्री बनाए, आप किसी को अध्यक्ष बनाए, किसी को हम तो नहीं कह रहे। लेकिन जब मैं आपके यहाँ झज्जर अभी कार्यक्रम कर रहा हूँ तो मैं रेवाड़ी से सीधा झज्जर पहुंचा हूँ, और रेवाड़ी में आप ही के पार्टी के कैप्टन अजय यादव थे, और कैप्टन अजय यादव ने कहा कि मैंने पूछा 18 तारीख की रैली का, उन्होंने कहा कि वो हुडा, भूपेंद्र सिंह हुडा की रैली है, वो कांग्रेस की रैली नहीं है। तो मैंने कहा आप उसमें जाएंगे, बोला कि वो किसी व्यक्ति की रैली है, पार्टी की होती तो मैं जाता। उन्होंने कहा कि ना मैं जाऊंगा ना अशोक तंवर जाएंगे, ये सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुडा की रैली है। ये अभी रेवाड़ी से मैं आ रहा हूँ और रेवाड़ी में ये ऑन रिकॉर्ड कैप्टन अजय यादव ने कहा है। जी, महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था, महाभारत की बात नहीं छेड़ेंगे, करण नहीं लड़ेगा, देखिए उसमें करण लड़ेगा तो ये नहीं लड़ेगा, शैल्य नहीं लड़ेगा, एक एक आदमी का तय था कि कौन समझम लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, यही कांग्रेस पार्टी की हालत हुई है। देखिए अरे सब मिलकर लड़ो, हम अच्छा विपक्ष चाहते हैं, हमारी चिंता है, विपक्ष बहुत मजबूत है, इस बार सीटें खाली हो गई विपक्ष की विधानसभा सत्र में, क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी में धक्के से ज्वाइन करवा लिया सबको, हमारा कांग्रेस का एक भी साथी नहीं गया, हमको परेशानी हो गई, लोकदल जजपा लंच पर विधानसभा शुरू हो गई और शशि रंजन जी चाय पर विधानसभा खत्म हो गई।
शशि रंजन जी मुझे हैरानी है, हम चाहते हैं विपक्ष नहीं आए, विपक्ष मजबूत रहे, एक भी प्रश्न विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायक ने लगाया ही नहीं, विपक्ष प्रश्न केवल विपक्ष के लगे, विपक्ष की एक भी प्रश्न आप प्रश्न उठाकर देख लें। मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, मेरी पार्टी का जवाब आप मुझे देने दें, मेरी पार्टी का जवाब मुझे देने दें। व्यक्तिवाद हावी हो गया है, महाभारत तो हो गई और उसमें जीत पांडवों की हुई, जो भीड़ कौरवों के पास थी उनकी जीत नहीं हुई, महाभारत में भी गीता का संदेश निकल कर आया, सच्चाई की जीत होती है। शशि रंजन जी मैं बता रही हूँ, आपने अपनी चूंकि मैंने इसलिए भी कहा कि 18 तारीख की रैली हरियाणा की राजनीति और अक्टूबर में होने वाले चुनाव के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, वो दिशा तय करेगी। जी अब आप मेरा जवाब सुन लें, और कैप्टन अजय यादव ने क्या कहा वो भी मैंने आपको बता दिया। जी आप अब मेरा जवाब सुने, जब आपने ये यात्रा बस यात्रा शुरू की आपने कहा मैं कांग्रेस सरकार नहीं कहूंगा हुडा सरकार कहूंगा 10 साल, तो उसी हुडा सरकार में कैप्टन अजय यादव जी हमारे बड़े भाई मंत्री भी उसमें थे, ठीक है, और सभी जगह कार्य हुए। अब कांग्रेस पार्टी में अपने अपने स्तर पर सभी लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, हमने इससे पहले भी जन क्रांति यात्राएं की, दलित सम्मेलन किए, छात्र पंचायतें की, व्यापारियों के सम्मेलन किए, किसानों मजदूरों गरीब दलितों की लड़ाई लड़ने का काम किया। अब क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव का बिगुल हम लोग फूकने जा रहे हैं, उसके लिए 18 तारीख को आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी ने, जिसमें भाई दीपेंद्र हुडा जी उस रैली के कन्वीनर हैं, हम साथी वो कांग्रेस पार्टी की रैली है, तो आप कैप्टन अजय यादव ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं हम उनको न्योता दे देंगे, वो आज के पास से फूकेंगे क्या आप अपने पार्टी के अध्यक्ष की तो बात कर रहे हैं, बिल्कुल अशोक तंवर के पास है, एक आप बात सुनिए, हम लोग जो है सभी विधायक हैं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी 2 बार के मुख्यमंत्री, 2 बार के अध्यक्ष, 4 बार के सांसद, 4 बार के विधायक, सबसे सीनियर नेता रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी का इस महापरिवर्तन रैली के माध्यम से बीजेपी की जो फेलियर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की रही चाहे राज्य सरकार की रही, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ एक छद्म राष्ट्रवाद घर में लड़ते रहे, आज की डेट में ये हम तो चाहते हैं सरकार में विपक्ष जो लोग डॉक्टर बनने सकारात्मक विपक्ष समालोचना करे उनके मुद्दे उठाए और कड़ी जनता के मुद्दों से वास्ता नहीं बचा, ये जनता के मुद्दों से वास्ता नहीं बचा, जवाब दे दीजिए सिर्फ, और ये केवल और केवल केवल अपने अपने ढपले अपना अपना राग लेके चले हुए हैं, इनको कांग्रेस से भी मतलब नहीं बचा। पार्टी की आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी सबसे वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी की आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी की महापरिवर्तन जी एक सवाल कर लो, रैली है क्या 18 के बाद आप मोदी मोदी करते हैं, आप मोदी मोदी करते हैं, जो रैली हो रही है क्या मोदी सरकार है क्या वो बीजेपी की नहीं है क्या? शशि रंजन जी अफवाह तो ये है कि वो कांग्रेस रैली नहीं, कांग्रेस मुक्त रैली होने वाली है, वो रैली के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाह है, मोदी सरकार 18 को रैली होगी और कांग्रेस का कुर्ता उतारा जाएगा, क्या वो बीजेपी की नहीं है? ये भी अभी तो सर कह रहे हैं क्या बीजेपी की सरकार नहीं है, मोदी सरकार कह रही है क्या बीजेपी की नहीं है? आज जो कांग्रेसी के नाते बैठे हैं, कई 18 के बाद कांग्रेसी ना रहे, ये पूछ लो एक बार, 18 के बाद का कांग्रेस का क्या है सवाल, ये कांग्रेस अपना आज जो कांग्रेस के नाते बैठे के मैनिफेस्टो में 154 वायदे जो थे जो आज कांग्रेस के नाते हम लोग मैदान में लेकर उतरेंगे, मेरे क्षेत्र के साथ हरियाणा के साथ भेदभाव करने का काम किया, कांग्रेसी के रूप में उतरेंगे या गैर कांग्रेसी के रूप में पूछ लीजिए। 18 तारीख का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, एक बार ये पूछना समझना चाहता हूँ, क्योंकि 18 तारीख वो दिन होगा जो अक्टूबर में होने वाले चुनाव पे बड़ा असर डालेगा। जी अब आप जो कह रही है मैं उसको इसलिए आपसे और आपसे बेहतर कोई बताएगा नहीं, मैं इसलिए कि वो जितने पोस्टर्स मैंने देखे शुरू में तो उसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी के भी फोटोग्राफ्स नहीं थे, नीचे में एक पट्टी थी तिरंगे टाइप की जो आपकी कांग्रेस का निशान है और एक छोटा सा यहाँ पर पंजा था और भूपेंद्र सिंह हुडा बड़े, मेरे पास भी सारे पोस्टर्स आते रहते हैं, बाद में सिर्फ सोनिया गांधी राहुल गांधी छोटे छोटे फोटोग्राफ्स ऊपर सर्कल में मंच किए गए, आपने हमारे मंच का बैकड्रॉप देखा होगा, अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष है ऑफिशियली है, आप माने या ना माने है ना, हमने अशोक तंवर जी का 5 साल का टेन्योर पूरा हो चुका है, हमारे सभी पीसीसी डेलीगेट्स ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखकर दे दिया है, अभी वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन क्योंकि उनका टेन्योर खत्म हो चुका है हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखकर दे दिया, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि असली वाला कांग्रेस में वो जिनको जो करना है वो करते हैं। देखिए ऐसा है,
राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला क्योंकि नहीं हुआ था और कल रात आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को इंटरिम अध्यक्ष बना दिया गया है, तो उन्नीस तारीख को भी ये कांग्रेस होंगे? हम 100% कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है, देखिए ऐसा है, बीजेपी पार्टी आजकल सबके ऊपर दोहरे डालने का काम कर रही है, आजकल बीजेपी पार्टी सबके ऊपर दोहरे डालने का काम कर रही है, एक एक टिकटार्थी की जगह 10-10 टिकटार्थी, 15-15 टिकटार्थी इन्होंने ठीक बगल में मेवात है जी, नसीम अहमद आपकी पार्टी में गए और वहाँ से फिर चले गए शपथ ग्रहण समारोह, आजकल धनखड़ साहब के यहाँ खूब होता है सुबह शाम दोपहर, जी जी, तो वो वहाँ चले गए। मतलब मैं जरा समझना चाह रहा हूँ, अगर हरियाणा की राजनीति है तो कांग्रेस एक फैक्टर है। देखिए शशि रंजन जी, आप ये जवाब एक बार मुझे देने दीजिए, हम लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं, बीजेपी ने मुद्दों की, राजस्थान में था एक कांग्रेस की नेता थी बड़ी सीनियर और वो बाद में बीजेपी में आ गई, उनके कार्यकर्ता कहने लगे कि बहन जी जब चुनाव चल रहा था गलत बस में बैठ गए, बोले भाई मैं तो सही बस में बैठी हूँ, इस बार जयपुर यहाँ पहुँचेगी, तो इस बार बीजेपी की बस चंडीगढ़ जा रही है, जिस चीज को भी चंडीगढ़ जाना हो वो बीजेपी की बस में बैठ लो, और मैं बहन जी को भी टिकट तो एक ही देंगे, बाकियों को गैर बिना टिकट के उसमें रस्ते में उतारने का काम करेंगे, इसलिए रस्ते में इनके टीटी मिलेंगे बिना टिकट वाले, बीजेपी की बस ही चंडीगढ़ जा रही है, इसलिए बीजेपी की बस में सवार होना ही, बीजेपी की बस में आपने देखा चंडीगढ़ की यात्रा सुनिश्चित है, कोई बस चंडीगढ़ पहुँचेगी नहीं। ये बीजेपी की तरफ गीता जी के लिए ऑफर है क्या की आ जाइए? देखिए ऐसा है, मैं तो कह रहा हूँ गीता जी आ जाइए, कांग्रेस पार्टी की वो तो अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार बैठे, आ जाइए आप, देखिए मैं तो कहता हूँ आ जाइए, छोड़िए उधर का मसला, आकर साथ बैठिए और चलिए चंडीगढ़ एक्सप्रेस में जो सच में चंडीगढ़ जा रही है। देखिए देखिए बात सुनिए, मैं कांग्रेस की एक सशक्त, कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, वर्कर हूँ, उन्होंने मान सम्मान हमें देने का काम किया है, ठीक है पार्टी में कई बार इस तरह के संकट आते हैं, 135 साल से ज़्यादा पुरानी हमारी पार्टी है, लेकिन हमने हमेशा गरीब दलित व्यापारी कर्मचारी महिलाओं किसानों की बात करके मुद्दों पर राजनीति करने का काम किया है, हमने धक्के से देखिए बिल्कुल मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी की विधायक हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ूंगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, मजबूती के साथ बनेगी, ठीक है। एक दूसरा मसला है ऑन अ वेरी सीरियस नोट, सोशल मीडिया पे आज जैसे ही सुबह मैं उठा तो देखा कि मंगल पांडे पे जो और भाई साहब ने जो ऑफर दिया उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि बीजेपी में तो बस पहले ही फुल हो गई, आज आपने देखा होगा झज्जर में से सवारी, इसको सीरियस लेकिन अगर आप देखा होगा तो देखा उसी सदन में कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय जी पता नहीं कान में क्या बात कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाया, होता था 18 के बाद समझ में आए, जी जी तो जी बिल्कुल, ये गठबंधन होने की संभावना है? देखिए कोई गठबंधन नहीं, चर्चा है, देखो चर्चा तो पता नहीं कौन किस तरह की चला देता है, आपकी क्या राय है? आप तो देखिए मैं इंडिविजुअल राय नहीं दे सकती, मैं केवल पार्टी की कार्यकर्ता हूं, पहले कहा जिनके घर में गठबंधन नहीं है, जिनकी पार्टियों में गठबंधन हो रहे हैं वो क्या गठबंधन, देखिए इनका तो परिवार ही नहीं है, इनको परिवार की क्या परिभाषा का पता चलेगा, परिवार नहीं है हमारे यहाँ, देखिए ये लड़ाई इस 2019 के चुनाव में ना कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कलह खत्म होने वाली है, ना पारिवारिक कलह खत्म होने वाली है एक पार्टी की, देखिए बीजेपी ये तो हमारे लिए चिंता का आपने, विषय आपने प्रश्न है इस बारे में कि ये लोग अपनी लड़ाई खत्म करें और एक समूथली चलें जिससे एक अच्छा प्रतिपक्ष सम्मानजनक प्रतिपक्ष आए, ये मुद्दे उठाने की बात जरूर करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन ये वैयक्तिक इंडिविजुअल खड़े होकर खड़े हो गए हैं, इन्होंने मुद्दों की बजाय बंदों को परवाह ज्यादा है और इसलिए प्रदेश में से विपक्ष का सफाया हो रहा है, इनको मुद्दों की चिंता करनी चाहिए, मुद्दों की केवल बात करते हैं, चिंता व्यक्तियों की करते हैं, इंडिविजुअल्स हो गए हैं,
और यही सबसे बड़ी गड़बड़ है, इंडिविजुअलिटी की रैली हो रही है, अपने अपने जो है व्यक्ति जब भी उठाने का काम कर रहे हैं, बीजेपी को टेंशन हो जाती है, इसी बहुत टेंशन हो जाती है, चर्चा करने लग जाते हैं, बीजेपी की रैली करने की बजाय हमारी कांग्रेस की रैली के पीछे पड़ जाते हैं। इनकी हालत खराब हुई है, इस व्यक्तिवाद से उभरना चाहिए, मैं इनको कहता हूँ, इनकी बहुत मानते हैं हुड्डा साहब, ये व्यक्तिवाद से उभरें और उस व्यक्तिवाद से उभर कर और सामाजिक मुद्दे उठाएं, राजनीतिक मुद्दे उठाएं, लड़ाई लड़ें जनता की, जिस लड़ाई जनता की लड़ाई लड़ने की बजाय ये जो मेरी चौधर अपनी चौधर मेरी चौधर वो युग चला गया है, अब व्यक्तियों की चौधर का विषय नहीं है, अब सुराज चाहिए, किसी को नहीं पता था गवर्नमेंस चाहिए, अब किसी एक व्यक्ति का शर्मा जी ने कहा सबका अवतार चाहिए, यही इनकी समस्या ने कहा, अगर ये इस समस्या को समझ ले, हमारे भाई धनखड़ जी ने कहा वो बनेंगे, उससे किसी को नहीं पता था खट्टर साहब बनेंगे, निजात पाएंगे अब जो है, और खट्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं, चिंता मत करिए, और 75 पार का लक्ष्य बिल्कुल, खट्टर साहब ने ये कहा 90 हम लड़ेंगे हरियाणा में और 90 लड़ेंगे हम जम्मू में, अगर आपने सुना हो और जम्मू में भी ये तो हरियाणा वालों को लेकर चुनाव लड़ने की, और मैं फिर से बहन को कहता हूँ रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है और जो है वो बस नहीं जाएगी चंडीगढ़, यही खड़ी रहेगी, चंडीगढ़ जा रही है बीजेपी की बस, चंडीगढ़ एक्सप्रेस, वक्त है वक्त को पहचान और वक्त को पहचान के आगे बढ़ो, यही समय की मांग है, और नहीं तो आप जो है वही टाटा टाटा करते रह जाओगे जाने वाले यात्रियों को, क्योंकि इस बार झज्जर विधानसभा से भी मैं गारंटी के साथ कहता हूं बीजेपी का कैंडिडेट जीत कर आएगा, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीतेगा, ये आज का ये मेरा दावा है इस चंडीगढ़ एक्सप्रेस में, इस बार झज्जर विधानसभा को बीजेपी का कैंडिडेट रिप्रेजेंट करेगा विधानसभा में, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा, और मेरी रिकॉर्डिंग रखना और विधानसभा के बाद मेरी रिकॉर्डिंग को दिखाना, ये मेरा क्लेम है, ये मेरा क्लेम है, इस बार बीजेपी का ध्वज जो है झज्जर पर फहराएगा, कांग्रेस का कौन कैंडिडेट है जिनकी सरकार है झज्जर में एक ईंट लगाने का काम किया हो, ऐसे ये मैं बता रहा हूँ, मेरा क्लेम है, एक भी दावे के साथ चुनौती है चंडीगढ़ एक्सप्रेस में, इस बार झज्जर से बीजेपी का कैंडिडेट विजयी होकर आएगा, कांग्रेस का नहीं जीतेगा, ये मेरी गारंटी है, और मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग को आप चुनाव के बाद दिखाना, मतलब ये आप जो झज्जर का क्लेम कर रहे हैं मतलब झंडा दे देंगे आप गीता जी के हाथ में, मतलब देखिए वो तो गीता जी जब बस की टिकट लेने के लिए लाइन में लगेंगे तब बात होगी, हम आपकी बस की टिकट तो कम से कम नहीं लेंगे, चंडीगढ़ एक्सप्रेस के टिकट की लाइन में लगेगी वो विषय तब होगा। देखिए ऐसा शशि रंजन जी ये मुद्दा बड़ा जरूरी है, हमारे पास बहुत जोरदार हमारे पास रमेश वाल्मीकि है, हमारे पास पूर्व मंत्री बहन गीता है, हमारे पास धर्मेंद्र है के जो है, हमारे पास हमारी सुनीता चौहान है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कप्तान धाना है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग, किसी को भी जिसको भी टिकट दिया वही इस बार बीजेपी को रिप्रेजेंट करेगा विधानसभा में, इस बार बीजेपी की टिकट का मतलब है विधानसभा पहुंचना, इस बार टिकट लेना ही बीजेपी की टिकट लेने का मतलब है विधानसभा पहुंचना, इनके यहाँ तो टिकटों की लड़ाई होने वाली है, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ पिछली बार भी मेरे झज्जर विधानसभा क्षेत्र की संभावना होती है टिकटार्थी वही होते हैं, विधानसभा क्षेत्र की संभावना नहीं होती वहां टिकटार्थी नहीं होते, मोदी लहर चल रही थी 32,000 से झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे यहां से आशीर्वाद देने का काम किया, उससे पिछली बार 28,000 से मुझे जिताया, और मैंने एक विपक्षी विधायक होने के नाते मजबूती से अपनी क्षेत्र की आवाज को उठाने का काम किया, नहीं तो लोगों को ये वहम था कि रिजर्व हलके में तो MLAs को पीट के बिठा दिया करते, जिनके नाम ले रहे हैं किसी ने एक लाल कटारिया केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने लाल कटारिया मेरे अध्यक्ष थे प्रदेश के, आपके लोकसभा के जो इन्होंने पीटा है, दलित की अध्यक्षता नहीं मानी, आपके बिमला चौधरी को मंच पर बोलने नहीं दिया, रो रही थी विधानसभा में, वो पीटा है इन्होंने सरेआम विधानसभा में बिमला चौधरी रो रही थी, सम्मान करने वाली मुख्यमंत्री जी ने मुझे बोलने नहीं दिया, आप हमारे अध्यक्ष की चिंता ना करें, क्यों नहीं करें, आपके अध्यक्ष का बेटा है, आपके अध्यक्ष के मैं पर्सनली जाना चाहती, आपके अध्यक्ष के बेटे ने क्या किया, समाज का अध्यक्ष का बेटा जेल काट कर नहीं आया, समाज को एक IAS की बेटी को छेड़, मैं पर्सनल नहीं होना चाहती, गलत बात, बार बार आप जब कर आपके अध्यक्ष पार्टी का मसला है, तो आपका अध्यक्ष पार्टी का मसला, आपके अध्यक्ष मार रहे हो, डंडे मार रहे हो, पिटाई डंडे नहीं मार, दलित के बेटे को कोई डंडे, क्या मैं दलित नहीं हूँ, कमाल कर रहे हैं आप, कैसे बात कर रहे हैं, पिटाई हो रही है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो आप पिटवाओगे क्या, अपने अध्यक्ष के साथ नहीं खड़े हुए आप,
बिल्कुल नहीं उसकी पिटाई उसके साथ नहीं खड़े हुए, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, है तो उनके साथ खड़े होते हैं, कोई जरूरी नहीं है उनके साथ खड़े होते, आप खट्टर साहब आपने उनका साथ नहीं दिया, बिल्कुल डट के खड़ा हूँ, कमाल की बात कर रहे हैं आप, खड़े हैं बिल्कुल डट के खड़ा हूँ, हर मौके पर डट के खड़ा, ऐसा है रोज डट के खड़ा हूँ। अब आखिरी 20 सेकंड आपके पास, जी देखिए, हमारा झज्जर विधानसभा क्षेत्र जो है एक ऐसा हल्का है जिसमें हमने 36 बिरादरी के पूरे विधानसभा क्षेत्र का काम करवाने का प्रयास किया, विपक्ष में आवाज उठाने का काम किया, मजबूती से चाहे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हमने बनवाने का काम किया, इन्होंने उनको पीछे ले जाने का एक कमरा तक नहीं बनवाया, पीने के पानी की समस्या हो, सीवरेज की हो, सौंदर्यकरण की हो, लेकिन सबका साथ सबका विकास का जो झूठा नारा था वो आप झज्जर में देख लेंगे, इन्होंने हमारे प्रोजेक्ट्स तक क्षेत्रों से यहाँ से ले जाने का काम किया, तो हम उम्मीद करेंगे कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी और इस बार हाथ के निशान पर हम लोग सब चुनाव जीत कर जाएंगे और आने वाला विधानसभा चुनाव मुद्दों का चुनाव होगा और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। झज्जर के सब प्रोजेक्ट झज्जर में, झज्जर जिले से कोई प्रोजेक्ट बाहर नहीं जा रहा। मैं और रहस्य की बात बता दूं, वो इनके समय ही रद्द हुआ, इनके समय ही वो जमीन लेनी पंचायत से ली गई, हमारे समय में नहीं ली गई, हम तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसलिए सरे वहाँ का भी इन्हीं को है। दूसरी बात यह है, लोगों में जाइए, जनता से पूछिए, काम को देखिए, काम का आकलन मैं अपने मुँह से कहूँगा तो उचित नहीं है, काम का आकलन झज्जर जिले की जनता बताएगी, चारों हलके की जनता बताएगी, जनता में आपको अगर लगे कि गुड मूड है तो समझ लेगा हमने जनता में अगर गुड मूड है तो हमने काम किया है, आप जनता के मूड के हिसाब से तय करना क्योंकि आप जनता टीवी हो, ठीक है, और वोटर ही असली खुदा मालिक है, मालिक जी। मालिक हम तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये झज्जर में आप देख रहे थे, जब दो दमदार आमने सामने होते हैं तो टकराव होता ही है, इसलिए बस चलने के पहले हम मुंह मीठा करा देते हैं, वरना खिलाने को तो मिर्च भी खिला सकते थे देखिए। और धनखड़ साहब कह रहे हैं कि सूरत बदलेगी, ये बदलेगा, गीता जी का अलग क्लेम है, अब ये करते रहे तय तो हम और आप मिलकर करेंगे, लोकतंत्र की यही खूबसूरती और यही ताकत है। और हर एपिसोड में आजकल मैं एक चीज कह रहा हूं और वो ये कह रहा हूं कि वोट इतना डालिए इस बार कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जब लोकतंत्र की चर्चा हो तो नाम और उदाहरण हरियाणा का दिया जाए कि वोटिंग ऐसे होती है, वो पार्टिसिपेशन इस तरीके से होता है। और दूसरी बात, वोट देकर के सोइए मत। कई बार हम व्यवस्था और सरकार को बहुत भला बुरा कहते हैं, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है, अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि वोट देने के बाद भी 5 साल हम जगे रहें और अपने नुमाइंदों पर कड़ी नजर रखें, शायद लोकतंत्र तभी मजबूत हो पाएगा। बाद बाकी चुनाव है, अक्टूबर में मतदान भी है, रिजल्ट भी है, और आपको मैं बता ही रहा हूं लगातार दिवाली भी है, कहां फूटेगा बम, कहां होगी दिवाली, देखेंगे उस वक्त। बहरहाल आप देखते रहिए चंडीगढ़ एक्सप्रेस और चुनाव का मतलब ही है जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और अब हम लगभग अब इस यात्रा के अंत पे पहुंचने वाले हैं, 2-3-4 और जगहों पे जाना है, उसके बाद एक नई कहानी की फिर शुरुआत करेंगे, एक नया एक्सप्रेस। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।